हाय एवरीवन, आई एम शिल्पा दास एंड वेलकम टू 5 पैसा। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंट्राडे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स। इसके अलावा आपको हम देंगे 5 स्टॉक के रिकमेंडेशंस, साथ ही उन स्टॉक्स के बारे में भी हम बात करेंगे जो पहले हमने आपको रेकमेंड किए थे और बताएंगे उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा, और कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक से रिलेटेड न्यूज एंड अपडेट्स पर भी नजर डालेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जिन व्यूअर्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंट्राडे निफ्टी और बैंक निफ्टी लेवल्स की। इंट्राडे निफ्टी लेवल्स देख लेते हैं। पहला सपोर्ट लेवल है 23,400, दूसरा सपोर्ट होगा 23,280 का। इसके अलावा पहला रेजिस्टेंस है 23,660 और दूसरा रेजिस्टेंस है 23,780। इसके अलावा इंट्राडे बैंक निफ्टी लेवल्स पर नजर डालें तो पहला सपोर्ट लेवल है 51,000 का, दूसरा सपोर्ट लेवल है 50,600, पहला रेजिस्टेंस है 52,070 और दूसरा रेजिस्टेंस है 52,700। चलिए अब बात करते हैं 5 मोमेंटम स्टॉक्स फॉर द डे की। कैश एंड फ्यूचर डिलीवरी की बात करें तो होल्डिंग पीरियड है 7 to 10 डेज। सबसे पहला रिकमेंडेशन है डेटामैटिक्स ग्लोबल सर्विसेज लिमिटेड, वॉल्यूम स्पर्ट है, यहाँ पर बाय कर सकते हैं इसे 605 पर। स्टॉप लॉस 580 लगा सकते हैं, पहला टारगेट 630 रख सकते हैं और दूसरा टारगेट 655। नेक्स्ट स्टॉक इज इंसेक्टिसाइड्स इंडिया लिमिटेड, राइजिंग वॉल्यूम है, यहाँ पर बाय कर सकते हैं 707 पर, स्टॉप लॉस 672, पहला टारगेट 743 और दूसरा टारगेट 775। नेक्स्ट इज SMS फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है ये, तो इसे बाय कर सकते हैं 215 पर, स्टॉप लॉस 206, पहला टारगेट 224 और दूसरा 233। नेक्स्ट इज ग्रेफाइट, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है, यहाँ पर बाय कर सकते हैं 595 पर, स्टॉप लॉस 568 लगा सकते हैं, पहला टारगेट 622 और दूसरा टारगेट 645। अगला स्टॉक रिकमेंडेशन है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का, यहाँ पर बुलिश पैटर्न ब्रेकआउट है तो आप इसे बाय कर सकते हैं 105 पर, स्टॉप लॉस 99.80 पर लगा सकते हैं, पहला टारगेट 110.50 और दूसरा टारगेट 115। अब बात करते हैं उन स्टॉक्स की जो पहले हमने आपको रेकमेंड किए थे, देखते हैं उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा। NOCIL went up 4.2%, almost first target achieved, and DMart went up 2.8%, first target achieved. चलिए अब देखते हैं स्टॉक्स से न्यूज, यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स से रिलेटेड न्यूज एंड अपडेट्स, जिसमें आज बात करेंगे GCPL, PHFL और IOC के बारे में। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड की बात कर लेते हैं। सबसे पहले कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है गोदरेज फैमिलीज प्लान टू रीशफल ओनरशिप एंड मैनेजमेंट विद इन देयर वेरियस कंपनीज ऑन June 18th। इसमें इन्वॉल्व होगा रीअलाइनमेंट ऑफ इंटरेस्ट, लीगल कंट्रोल एंड लीडरशिप पोजिशंस। इसके अलावा PNB हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की बात करें तो सोर्सेज सजेस्ट कर रहे हैं कि PNB हाउसिंग फाइनेंस के मेजर शेयर होल्डर्स सेल कर सकते हैं 1.08 करोड़ शेयर्स वैल्यूड एट $100 million थ्रू अ ब्लॉक डील। इसके अलावा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की बात करें तो IOC ने ज्वाइन किए हैं फोर्सेज विद GPS रिन्यूएबल्स थ्रू अ जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट। इस कोलैबोरेशन का एम है टू डेवलप सॉल्यूशंस फॉर सस्टेनेबल एनर्जी प्रोडक्शन। फिलहाल के लिए इतना ही, और ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए की फॉलोइंग 5 पैसा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपके फीडबैक सजेशन हमें कमेंट सेक्शन में जरूर देते रहें।